as they have an area of triangle using trigon. Trigon's area of triangle is in terms of ABC को एक ट्रायंगल हो गया, ये इसका पर हाइट हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये हाइट ले लीजिए, ये B, A, C, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर निकाला जाए तो क्या होगा? हाँ, इनटू बेस, बेस क्या है? B इनटू हाइट, H हो गया, ठीक? तो यहाँ से साइन B, साइन बी का वैल्यू क्या होगा? एच अपॉन ए होगा, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो एच बराबर क्या होगा? ए साइन बी, ए साइन बी। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर क्या हो जाएगा? हाफ इनटू बी इनटू ए साइन, ठीक है? ये फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वाड्रेटर्स, ठीक है? रोम्बस की अगर बात करते हैं, रोम्बस की अगर बात करते हैं तो रोम्बस का क्या होता है? ए बी सी और ई हो गया, डी तो डायगोनल्स हो गए, ये डी वन हो गया, ये डी टू हो गया। तो पेरिमीटर, पेरिमीटर बराबर क्या होगा? 4 इनटू ए, ये अगर हर एक साइड का मेजरमेंट है, ठीक, ये सब इक्वल होता है, ठीक। और एरिया, एरिया क्या होता है? हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, ठीक है? नेक्स्ट होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को देखा है, ठीक, ए बी सी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये ले लीजिए इसको, इसको बी ले लीजिए। तो पेरिमीटर बराबर क्या होता है? 2 into sum of adjacent side, adjacent side क्या है? A और B है, 2 into A plus B, ठीक है? Area, area क्या होगा? Base into height, height क्या है? H, base क्या है? B, तो B into H, ठीक? अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है और ये क्या होगा? इसका डायगोनल जो ओ में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमको ये बात बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी, ये छोटा सा कह ए ओ बी का क्या होगा? 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है। तो ए ओ बी उसी तरह से बी ओ सी का भी सेम होगा, बी ओ सी का भी सेम होगा और बी ओ ए का भी सेम होगा, ठीक। उसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रैप, एरिया ऑफ ट्रैप, ट्रैप में क्या होगा? दो साइड पैरेलल होता है, दो साइड लंबकर्ण होता है ना, चलो ए बी सी डी आपको क्या हो गया? आपको ट्रैप हो गया, इसका एरिया इसमें मान लो ये परपेंडिकुलर डाल दिया, हाइट हो गया, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, तो एरिया कितना होगा? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? बी प्लस ए इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? एच, ठीक।
और पेरिमीटर क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस सम ऑफ ऑब्लिक साइड, अर्थात इसको सी मान लो इसको डी मान, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबका सम, ए प्लस बी प्लस सी प्लस सबका सम कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपको, पेरिमीटर ऑफ द चार्ट। ठीक है, अब जो आता है कि इसका एरिया किस है, इसका मोर प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसका मिड पॉइंट एम मान लिया, इसका मिड पॉइंट एन मान लिया, लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी, ये वाला ट्रायंगल क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, एडीसी के, एडीसी किधर है भाई, ए डी सी, ये बराबर, क्यों, क्योंकि हमको ये पता है दो ट्राइंगल सेम बेस पे और दो सेम पैरेलल लाइन के बीच में रहता है तो क्या होता है, एरिया इक्वल होता है, बराबर ए डी सी। ठीक है, क्वाड का देख लेते हैं, कोई भी क्वाड का ट्रायंगल है, एबीसीडी क्वाड का ट्रायंगल बना दीजिए, एक डायगोनल है और इसके परपेंडिकुलर इस ड्रॉ कीजिए अपोजिट एंगल से, ड्रॉ कर दिए, इसका एरिया कैसे निकालिएगा, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, और पेरिमीटर कैसे निकलेगा, ना प्लस ना प्लस ना प्लस इतना पेरिमीटर को और सबका ऐड कर दीजिए। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, एरिया ऑफ क्वाड, एरिया ऑफ क्वाड कैसे निकलेगा, अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, और पेरिमीटर बराबर क्या होगा, ए बी सी डी ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, चलो रेगुलर हिस्सा लेना, रेगुलर हिस्सा जानकर क्या होगा, ठीक है, सबका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम जगह पे होगा, वो हो गया, सबका साइज मेजरमेंट सेम है तब रेगुलर होगा, तो इसका पेरिमीटर, पेरिमीटर क्या होगा, 6 इनटू ई हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस 6 बार, और एरिया क्या हो जाएगा, 6 इनटू रूट 3 बाय 4 ए स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट आता है सर्कल, सर्कल का अगर बात करिएगा, सबको पता है एरिया क्या होता है, ई हो गया रेडियस, तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पेरिमीटर ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, सब
अब अगर इसका सेमी सर्कल अगर होता तो ये तो सर्कल के लिए हुआ, और सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई टू, और पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, एक तो होगा पहले टू सर्कल का पेरीमीटर बाय टू प्लस पूरा पूरी डायमीटर, तो इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखिए क्या होगा, आर प्लस पाई प्लस टू इंटू आर, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन अगर करना तो कर लीजिए, तो आधा का सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा, पाई आर प्लस डायमीटर का पेरीमीटर कितना होगा, टू आर, तो कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, आर कॉमन आ जाएगा तो पाई प्लस टू, ठीक है। लास्ट टॉपिक बचा आप लोगों का मेंसुरेशन में, क्या सॉलिड फिगर, नेक्स्ट वीडियो में आते हैं।